नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में सियासी हलचल बेहद तेज है। दरअसल झारखंड में जिस तरीके से मुख्यमंत्री को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया, वहीं अब जेएमएम के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है और लगातार ईडी और बीजेपी पर जमकर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार करती नजर आ रही है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। कल लगभग 9 घंटे की पूछताछ भी हुई है सीएम सोरेन से। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम ने 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की तो सियासी संग्राम छिड़ गया। खबरें ये हैं कि पूछताछ में ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तमाम मुद्दों को लेकर सवाल पूछे कि आखिरकार राज्य में अवैध खनन किस तरीके से हुआ और जो भी लोग ईडी की तरफ से पकड़े गए हैं उनसे हेमंत सोरेन के क्या संबंध है। इसके साथ साथ ईडी के पास पहले से जुटाए गए सबूतों के बारे में भी अधिकारियों ने लगातार सवाल पूछे। हालांकि अधिकांश सवालों पर मुख्यमंत्री ने जानकारी ना होने की बात कही है। इसके बाद रात 9 बजे मुख्यमंत्री को ईडी की टीम ने छोड़ दिया। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन रात 9 बजे ईडी के दफ्तर पहुंची और हेमंत सोरेन वहां से उनके साथ वापिस हुए। इधर रांची के मुरादाबादी मैदान में जेएमएम के कार्यकर्ता जमे हुए हैं, साथ ही साथ यूपीए के तमाम विधायक एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने साफ कह दिया है कि राज्य की हेमंत सरकार जानबूझकर झारखंड का माहौल इस तरह से बनाना चाहती है कि जांच एजेंसियां मुकम्मल जांच तक ना पहुंच पाए। वहीं सत्ताधारी दल अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए खड़ा करना भी उकसावे की राजनीति है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर हैं और हमारी अपेक्षा थी कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ जो भी है वो कोऑपरेशन करेंगे, क्योंकि उन्होंने संविधान और देश के कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है। लेकिन सिर्फ उन्हें एक सम्मन जारी हुआ था, सम्मन में ये भी नहीं बताया गया था कि उन्हें अभियुक्त के रूप में बुलाया गया, विटनेस के रूप में बुलाया गया या आरोपी के रूप में। लेकिन मुख्यमंत्री ने जाने से पहले जिस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मसले में ईडी पर सवाल या निशान खड़ा किया और जो क्वांटम ऑफ करप्शन था उस पर प्रश्न खड़ा किया, हमें लगता है ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद को पहले ही से ही आरोपी मान लिया। सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने साफ किया है कि सरकार राज्य में बेहतर ढंग से काम करेगी अगर केंद्र और जांच एजेंसियां सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री को परेशान करेंगी तो इसका समुचित जवाब दिया जाएगा। नहीं देखिए, जो भी सुनियोजित साजिश चल रही है, जो सरकार को अस्थिर अपदस्थ करने की साजिश चल रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब देना है। उस पर विधायकों की बैठक हुई थी और विधायक उसके लिए तैयार हैं कि अगर हमें जनमत मिला है, हमारी बहुमत है, तो उसको हम लूटने नहीं देंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे कोई संवैधानिक संस्था हो, चाहे कोई इस तरह का जो भी सरकार को परेशान करेगा, जो जनता के हित में काम करने वाली सरकार है उसको कहीं से भी तकलीफ देगा उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। जांच का नतीजा क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में जांच पर जंग जारी रहने के पूरे आसार हैं। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची।
ईडी की टीम की तरफ से जिस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ पूछताछ की गई है, उसके बाद जहां राज्य में जेएमएम के कार्यकर्ता आक्रोशित होते नजर आए हैं, वहीं कहीं न कहीं जिस तरीके से मामले चल रहे हैं उस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। बीजेपी ने लगातार इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी स्थिति में राज्य में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा और ईडी की टीम हो या कोई भी जाँच एजेंसी हो, उनकी अपनी कार्रवाई करने में किसी प्रकार का विरोध नहीं करने दिया जाना चाहिए। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉयस रांची। लगातार पूछताछ जारी है, मतलब 9 घंटे कल पूछताछ हुई है और अब आगे की कार्यवाही के लिए ईडी अपना कदम उठा रही है। लगातार इन सारे मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से जांच एजेंसी अपना काम करती नजर आ रही है और उसको लेकर के झारखंड की सियासत बिल्कुल गर्म नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला और क्यों ऐसा सियासी हालात बनते नजर आ रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर के आज समझने की कोशिश करेंगे और पूरे सियासी समीकरण पर नजर डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिलहाल हमारे संवाददाता रांची से राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के नेताजी तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है और किस तरीके के हालात झारखंड में बने हुए हैं। देखिए योगेश, किस तरीके से कल पूछताछ का दौर खत्म हुआ था और उसके बाद से फिर पेपर कहा जा रहा था कि पेपर आज के दिन कई चीजें देखने को मिल सकती हैं, तो तमाम विधायकों के साथ बातचीत की है मुख्यमंत्री ने और इसके बाद से जेएमएम के जो कार्यकर्ता रांची में जमा हुए थे उनको संबोधित किया है अपने आवास के ठीक सामने से, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता वहां पे जमा हो गए थे। और आज की बात की जाए तो फिर से एक बार वही बात उड़ाई गई है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार हो या फिर जांच एजेंसियां हो वो जो काम कर रही है, अगर किस तरह से राज्य की सरकार को कहीं ना कहीं सदस्य करने की स्थिति बनाई जाएगी तो इसका विरोध किया जाएगा, ये संकेत जरूर सामने आए हैं। और तमाम जो बड़े नेता जेएमएम के थे वे वहां पर उपस्थित थे और उनके ठीक सामने कार्यकर्ताओं के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन हुआ है। और आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पर फिर से एक बार इस बात का जिक्र किया गया है कि उनके खिलाफ अगर किसी तरह की कोई साजिश रखी जाती है तो इसका ये विरोध करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई भी स्थिति नजर नहीं आई है जिससे कहीं ना कहीं कोई बहस होकर जांच करने की बात कही जाए या फिर कहीं ना कहीं कहा जाए कि रिसिप्ट राजनीति हो। जी राकेश, खबर निकल करके सामने आ रही है कि दरअसल जब उनसे पूछा गया सीएम हेमंत सोरेन से तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं है कुछ ऐसे, क्योंकि बीजेपी लगातार इन सारे मुद्दों को लेकर के सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही है, इस तरीके के बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। देखिए जब सवाल के जवाब देने की नौबत आई तब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बचते हुए नजर आए हैं और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि अब तक कोई आधिकारिक रूप से ईडी की तरफ से इस तरह की चर्चा तो नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से अंदर जो जानकारियां मिल पाई थी उसके आधार पे अधिकांश सवालों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़े बचते जरूर नजर आए हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में किस तरीके से फिर ईडी कार्रवाई करेगी या फिर से पूछताछ के बुलाएगी ये थोड़ा जरूर लगेगा, लेकिन कल की पूछताछ की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उन बिंदुओं के तहत बातचीत की गई है जिन बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े किए गए थे। और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया जा रहा था कि आखिर जो लोग उनके पकड़े गए हैं ईडी के गिरफ्त में है उनकी संलिप्तता कितनी है या फिर उनके पास से जो साक्ष्य मिले हैं सुराग मिले हैं उसके आधार पे मुख्यमंत्री के साथ बातचीत किस तरीके से की जा सकती है, उनके सवालों को किस तरीके से बातचीत करके आगे बढ़ाया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आपका आवाज आ रही है प्रॉपर, तिवारी जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी तिवारी जी, ये कहा जा रहा है कि दरअसल जब ये एजेंसियां जांच के लिए बुलाती हैं, पूछताछ के लिए बुलाती हैं, तो लोगों की याददाश्त चली जाती है, वो लोग भूल जाते हैं कि क्या है ये। भारतीय जनता पार्टी लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नजर आ रही है और बयानबाजी भी दे रहे हैं ये लोग। देखिये सर, एक छोटी सी कहानी संस्कृत में हम लोग पढ़े थे कि एक बाघ पानी पी रहा था, उसके नीचे एक मेमना का बच्चा भी बेचारा पानी पी रहा था, तो बाघ ने कहा कि भाई तुमने तो पानी मेरा जूठा कर दिया। उसने कहा हुजूर हम कहा जूठा किए, बोला तुमने जूठा किया तो तेरा बाप जूठा किया, बोला हुजूर हमारे पैदा लेने से पहले तो पिता का देहांत हो गया, कहा कि तुम नहीं तुम्हारा बाप नहीं तुम्हारा दादा। अब पकड़ के उसको खाना था, आपको पकड़ लेना है सीधे हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री को, बुलाइए ईडी कार्यालय पकड़ के बंद कर दीजिए और बताइए झारखंड के राज्य के लोगों को कि आखिर किस किस
दोष में मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है या बंद किया जा रहा है। देश की चाबी आपके हाथ में है, जैसे चाहे ईडी को, जैसे चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सीबीआई को, जिसको जो बुझाता है, संस्थाओं को, उसका दुरुपयोग आपको खुली छूट मिली हुई है, करिए। मेरा कहना है कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले सुना कि चुनाव आयोग के यहाँ से कोई बंद लिफाफा आया है। बंद लिफाफा आदरणीय माननीय महोदय राज्यपाल महोदय के पास था। अब उन्होंने एक आध बार उनका बयान सुना, वो तो बहुत गरिमामान पद है, उनका बयान सुना कि वो लिफाफा खुल नहीं रहा है, फिर उन्होंने कहा एटम बम है। क्या है ये झारखंड के लोग, माननीय मुख्यमंत्री नहीं पूछते, सरकार के सदस्य जो मंत्रिमंडल में शामिल है सर, वो भी नहीं पूछते, लेकिन झारखंड के लोगों को जानने का अधिकार है कि एक चुनी हुई सरकार को इस तरह डिस्टर्ब करना, अगर दोषी कहीं से कानूनन है तो पकड़िए ना, बंद करिए। अरे जाने दीजिए, लिफाफा आया है लिफाफा पड़ा रहने दीजिए, घर में तमाम सारे लिफाफे आते हैं, आपके घर में देखते होंगे तमाम सारे कोरियर्स आते होंगे, वो आपको चार दिन बाद पता चलता है, छह दिन बाद पता चलता है। अरे आया है, राजभवन में पड़ा रहने दीजिए, जब लिफाफा खुलेगा, लिफाफे के अंदर है क्या, तब जानकारी होगी। कहां आप राज्य के विकास की बात जो कर रहे हैं, अनवरत करिए। दूसरी बात, आपने तिवारी जी कहा बुलाइए ईडी को, गिरफ्तार कर लीजिए सीएम साहब को, लेकिन दूसरी तरफ तो मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, उन्हें आरोपी नहीं घोषित किया जाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री सीएम सोरेन साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बुला लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए। कोई योगेश जी, कोई ना कोई कारण बता के ही ना आपने ईडी कार्यालय बुलाया होगा चुनी हुई सरकार के मुखिया को, तो जिस कारण से आपने बुलाया है वो बताइए। आरोप है कि आपके प्रति, आपके पास साक्ष्य के साथ कोई एविडेंस है, अगर वो है तो झारखंड के लोगों को बता दीजिए, झारखंड के लोग भी जान जाए कि उसका चुना हुआ प्रतिनिधि राज्य का मुखिया गिरफ्तार हो। आएंगे 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 आपके पास, लेकिन ये बात जो है प्रदीप सिन्हा जी बताएंगे, लेकिन जितनी जितनी जानकारी मुझे है और जितनी जितनी योगेश जी 10 सेकंड, इस तरह चुनी हुई सरकार के मुखिया को डराना ये अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। नहीं, डराना किसी को नहीं चाहिए भाई, डराना किसी को नहीं चाहिए, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कोई एक तर्क दिया जाए, कोई आरोप बताया जाए, तो भाई ये बताइए कि मुख्यमंत्री आवास में जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उनके जो वेपन है वो किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ रखे रहे हों, मुख्यमंत्री के चेक जो हैं वो उनके विधायक प्रतिनिधि के यहाँ मिले। अरे सुन लीजिए तिवारी, देखिए आपको पूरी बात रखने का मौका दिया, और खनन से जुड़े जितने जो मामले सामने आ रहे हैं उनके कहीं ना कहीं तार मुख्यमंत्री आवास से, दफ्तर से निकलते नजर आ रहे हैं, तो इन सारी बातों को लेकर के अगर ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है तो मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, ये आपका हक है आरोप लगाने का, लेकिन सीएम साहब को अगर जा रहे हैं पूछताछ में तो जाने देना चाहिए, उसमें कार्यकर्ताओं को इतना हो हंगामा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। एक बात सुन लीजिए, हमको बताइए कि चुनी हुई सरकार का मुखिया, निर्वाचित मुखिया 16 तारीख को बुलाने का आग्रह करता है ईडी दफ्तर को कि हमको 17 के बदले 16 को बुला लिया जाए, लेकिन उसके उस निर्वाचित मुखिया के साथ इस तरह का बिहेव किया जाना कि नहीं साहब, हमने तो, हमारा तो डिक्टेटरशिप है, हमने जो ऑर्डर दिया उसका पालन आप करिए, 17 को बुलाया गया, गए मुख्यमंत्री। एक चीज यहाँ आप और समझिए तिवारी जी, ठीक है आपके बात ठीक है, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, पहले आप किसी को चुनौती दे दीजिए और उसके बाद आप उसके सामने आग्रह करिए। तीसरी बात, आप झारखंड में हैं, रांची में हैं, आपको आने में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी पहुंच सकते हैं। दिल्ली से ईडी के अधिकारियों को आना था, हो सकता है उनका कार्यक्रम कहीं और लगा रहा हो, या हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा शेड्यूल तय कर रखा रहा हो कि जो 17 तारीख को ही रहा हो, ये भी हो सकता है। आप दोनों चीजें देखिए दोनों तरफ देखना पड़ेगा। प्रदीप जी देखिए, लगातार वही आरोप लग रहा है जो शुरुआती दौर से लगाते ये लोग चले आ रहे हैं, जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, कि आप दरअसल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी जी जान से लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर सरकार का ध्वस्तीकरण कर दिया जाए झारखंड में। योगेश जी, हमने पालन किया ना, बुलाया गया तो हम गए ना। हाँ, एक आते आते हैं प्रदीप जी को बात रखने दीजिए, उसके बाद आते हैं तिवारी जी। प्रदीप जी, एक तो कल पूछताछ के दौरान यादाश्त चली गई और अभी जो बैठे हैं
उनको पता ही नहीं कि किस लिए बुलाया गया। आश्चर्य है कि जिस चोरी के केस में उनको पूछताछ करने के लिए बुलाया गया उसकी जानकारी ना मुख्यमंत्री को थी कि पंकज मिश्रा कौन है, पंकज मिश्रा क्या कर रहे थे बतौर विधायक प्रतिनिधि, उनकी आय किस तरह से बढ़ी, आमदनी कितनी बढ़ी, कुछ मालूम नहीं था। कितने भोले हैं ये लोग कि राज्य का अगर खजाना लूटा जा रहा हो तो बागडोर संभाल के बैठने की जरूरत क्या है फिर? अगर आपको अपने राज्य के अमानत के रक्षा के लिए रखा गया है और आप उसकी रक्षा भी ना कर सके तो फिर किस लिए आप सत्ता में बैठे हुए हैं? सिर्फ मजे लेने के लिए क्या? और जहां तक प्रश्न है, ईडी अपना काम कर रही है, ईडी से बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अभी कह रहे थे तिवारी जी की 16 को जाना चाहते थे तो चुना हुआ मुख्यमंत्री उसको इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। 3 को भी बुलाया था, 3 को नहीं गया, 15 समय मांगा 3 सप्ताह का कि मैं व्यस्त हूँ स्थापना दिवस के कार्यक्रम में, ईडी ने 17 तारीख का समय दिया। ये कोई परचून की दुकान नहीं है कि जब मन चले गए चावल दाल लेके चले आए। कोई नियम से चलता है कोई भी संस्था, उसके कायदे कानून होते हैं। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार नहीं है कि मनमाने ढंग से आप राज्य को चलाएंगे और मनमाने ढंग से लोगों को लूटने की छूट देंगे। अब पंकज मिश्रा के घर से जो कुछ बरामद हुआ, आपने देखा हुआ कि जब प्रेम प्रकाश के बारे पूछा गया तो सारी जिम्मेदारी डीजीपी पर डाल दी कि भाई वहां से हथियार मिला तो इसकी जानकारी डीजीपी किसके प्रति जवाबदेह होता है? पूरा पुलिस तंत्र इस राज्य के मुखिया के प्रति जवाबदेह होता है और गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के अधीन ही है। अगर इस तरह की कारस्थानी मान लीजिए कोई पुलिस विभाग का अधिकारी कर रहा है तो उसके खिलाफ मुख्यमंत्री महोदय ने कार्रवाई क्या की ये भी तो बताइए। सिर्फ एक पक्षीय बात रखना है कि ईडी तंग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपदस्थ करना चाहती है सरकार को। अरे आपके 50 विधायक हैं, सरकार कैसे गिर जाएगी आपकी? लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए और सच्चाई बताइए कि प्रेम प्रकाश के घर से जो 2 राइफल्स मिले AK-47 वो कैसे वहां पहुंचे? उसके अलावा पंकज मिश्रा इतनी कम अवधि में इतना पैसा कैसे कमा सका, इसका जवाब दे दीजिए। और मुख्यमंत्री ने पद पर रहते हुए 88 डिसमिल जमीन अपने नाम से आवंटित करवा ली। जब गलती का एहसास हुआ कि गलती हो गया है तो सरेंडर कर दिया, अगर गलती नहीं थी तो सरेंडर नहीं करते। इन सवालों का जवाब दीजिए ना लोगों को, लेकिन कार्यकर्ताओं को बुलाकर उकसाइए कि पैर हाथ तोड़ देंगे तो जहां भाजपाइयों को देखिए वहां पटक कर पीटिए। भाजपाइयों को क्या समझ लिया आपने, गाजर बोली क्या? अभी घूर के देख लीजिएगा, 100 पूरा कर देंगे आप लोगों का। चलिए नहीं भाई, वो नौबत मत आने दीजिए प्रदीप जी, राकेश लेकिन ये एक अपने आप में अनोखा मामला है। ठीक है राकेश जी, अपने आप में अनोखा मामला है। मुझे जितना याद है या मुझे जितनी जानकारी है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाना पड़ रहा है, बुलाया जा रहा है उन्हें, और सियासी हलचल भी खूब तेज है अब झारखंड में देखने को मिल रही है। लेकिन ये कहते एक कहावत है कि पूरी रामायण खत्म हो गई और कुछ लोग बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं चला कि राम कौन थे और सीता कौन थे। तो अब कांग्रेस तो ये कह रही है कि दरअसल कि उन्हें यही नहीं पता है कि किन आरोपों पर सीएम साहब को बुलाया जा रहा है। देखिए योगेश, ये बड़ा गंभीर मसला है, खास करके जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी ने बुलाया है और इस तरह की पहली घटना मानी जा रही है। यहाँ 3-4 चीजों का जिक्र करना जरूरी है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और उसके तहत कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। यानी कि कुछ न कुछ ऐसे साक्ष्य या ऐसी चीजें सामने जरूर आई होंगी जिसमें मुख्यमंत्री जैसे पद पर व्यक्ति को बुलाकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ सकती है ईडी की टीम को। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के पास कुछ ऐसे चीजें सामने जरूर आई होंगी, तब जाकर इस तरह की नौबत आई है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को ईडी के दफ्तर में जाना पड़ रहा है और वहां पूछताछ की जानी चाहिए। दूसरी तरफ बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा राज्य है उनके साथ, और खास करके सबसे बड़ी बात कि पूरा ब्यूरोक्रेसी है, विकास के काम किए जाने हैं, योजनाओं को धरातल पर उतारना है, उनके तमाम गठबंधन के दल है, उनमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से कहा जा सकता है कि एक भरोसा और भरोसा टूटना दोनों तरह की चर्चाएं चलने लगी है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि जिस तरीके से जेएमएम के कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन करने की बात कही जा रही है और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। तो 3-4 चीजों को लेकर चला जा रहा है और अलग अलग पहलुओं पर अगर गौर किया जाए तो सभी की तरफ से कहा जा सकता है कि अपने अपने जिम्मे जिनके जिनके काम है वो जो जिम्मेदारी है अपने तरीके से की जा रही है। अब रह गया मुख्यमंत्री की बात, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को बुलाने का
ये पहला मामला बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं ईडी के पास कोई ऐसी चीजें जरूर आई हैं जिसके आधार पे वो पुख्ता तैयारी करके बातचीत कर रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को किस तरीके से आरोप के दायरे में लाया जा सकता है या सचमुच ऐसा हुआ है या नहीं है। फिलहाल सिर्फ पूछताछ और पूछताछ ही की गई है, इसके बाद किस तरीके से बातचीत होगी, आरोप तय होंगे या नहीं होंगे या फिर आगे किस तरीके से उन पे कार्रवाई की जाएगी, ये सारी चीजें सिर्फ राजनीतिक जगत में, राज्य के लोगों के बीच, ब्यूरोक्रेसी के बीच और कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनके बीच ही चल रही है। जी बिल्कुल तिवारी जी, देखिए अब ये अपने आप में अनोखी घटना है, ये हमने बताई ही, राकेश जी भी बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन सारे घटनाक्रमों के बीच एक जो उड़ते उड़ते खबर आ रही है ये आ रही है कि अभी ईडी ने तो पूछताछ के लिए बुला लिया है, अब अगले राउंड पूछताछ के लिए कब बुलाती है, आगे की क्या कार्रवाई होती है, इस बात की अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनती है तब ये कहा जा रहा है कि आखिर कुर्सी कौन संभालेगा, उस पर भी विचार मंथन किया गया था। जिस दिन मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए के विधायक जो पहुंचे तो वहां पर बैठक हुई, मंथन किया गया, तो क्या इस ओर भी अभी से चर्चा शुरू हो गई है क्या? देखिए पहले तो मैं माननीय प्रदीप जी के प्रश्नों का उत्तर दूं। उन्होंने कहा कि परचून का दुकान है क्या, तो ये भी हम जानना चाहेंगे प्रदीप जी से कि ईडी दफ्तर परचून का दुकान तो नहीं है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री को क्या नमक तेल खरीदने वाला समझ लिया है क्या? जब जब चाहिएगा बुला लीजिए, जब मान लीजिए कि आपने बुलाया और राज्य का निर्वाचित मुखिया आपसे आग्रह करता है कि हम फलाने दिन व्यस्त हैं, हमको दो दिन के बाद समय दीजिए या दो दिन पहले बुला लीजिए, ये वो नमक तेल खरीदने वाले हैं क्या मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री पर राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो एक बातें कही, उन्होंने ये कहा कि फिर के देख लें, तो क्या राजनीतिक दल में अब वाक युद्ध से, अब वो तो संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी अपनी अपनी बात रखते ही हैं, क्या अब पटका पटकी की नौबत होगी राजनीति में? विधानसभा और लोकसभा जो राज्य का और देश का सर्वोच्च पंचायत है, उसमें अब क्या शुरुआत किसने की तिवारी जी, शुरुआत किसने की है, ये क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं शुरुआत किसने किया, तो हम एक बात आपसे पूछते हैं, आप इंडिया वॉइस चला रहे हैं, आप यदि इंडिया वॉइस के चैनल से अलग हटकर कुछ बात बोल दिए तो वो इंडिया वॉइस चैनल का नहीं माना जाएगा श्रीमान? नहीं नहीं योगेश जी, वो अलग हट करके नहीं बोली। अब सुन लीजिए, अब इसमें दो तार्किक हैं, अब सुन लीजिए, तर्क सुन लीजिए, अरे तिवारी जी तर्क सुन लीजिए, तिवारी जी तर्क सुन लीजिए, आपने कहा कि हम इंडिया वॉइस से अलग हट करके बोलेंगे तो वो हमारा पर्सनल वक्तव्य होगा, वो संस्थान का नहीं होगा, ये सच है, लेकिन आप में और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। आप अरे सुन लीजिए, आपको यदि मैं कैमरे के सामने और माइक आईडी के सामने वक्तव्य दे रहा हूं तो वो संस्थान का वक्तव्य हो जाएगा। आपके पास कोई ऐसा माइक आईडी नहीं है कि आप बोल रहे हैं, आपके पास जो टैग लगा है प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, वही टैग है, पार्टी की सदस्यता वही टैग है, आप पार्टी के आधार पर बोलते हैं, आप हर जगह जो बयान देते हैं वो पार्टी का वक्तव्य होता है। देखिए अब उत्तर सुनिए, क्या देश के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया क्या? ये गलत चीज है, बहस से डाइवर्ट हो रहे हैं, आप वो जवाब दीजिए सवाल का कि क्या ऐसी कोई चर्चा हुई या हुई तो किस पर हुई, कि अगर ऐसी स्थिति कुछ बनती है तो प्रदेश का मुखिया अगला कौन? ये देखिए तो बड़ा मुश्किल है, ये अंदरूनी मामला है, आपको क्यों बताएं हम? अरे हमें नहीं बताइए भाई, प्रदेश की जनता को बता दीजिए, राकेश जी भी जानना चाह रहे हैं, राकेश जी से मेरी चर्चा हो रही थी तो वो भी कह रहे थे कि भाई कौन होगा, ये वो भी नाम जानना चाह रहे हैं। योगेश जी खाली सवाल करते जाइएगा बड़ा मुश्किल है, जवाब सुनिए ना, हम ही कह रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं विपक्ष मुक्त भारत। अच्छा इतना बता दीजिए, चर्चा हुई कि नहीं हुई इस मामले में, चर्चा हुई कि नहीं, क्यों इतना बता दीजिए? आप भारत के गद्दी पर विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए कसम खाए हुए हैं, एक दो राज्य बने बचा है, हटा दीजिए। चलिए नहीं बताएंगे आप, नहीं बताएंगे, अरे हम इतना केवल जानना चाह रहे थे तिवारी जी की चर्चा हुई या नहीं इस मुद्दे पर, केवल इतना जानना चाह रहे थे, हमें जानना चाह रहे थे, झारखंड की जनता जानना चाह रही थी। रणनीति तैयार हो रही है, आप ऐसा नहीं समझिए,
आप कदम उठाएंगे हाँ। तो हम भी तो बचाव में कदम उठाएंगे ना। चलिए ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर है, अगर कोई कदम उठा रहा है तो आप भी बचाव के कदम उठाएंगे और उठाते नजर आ रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं कदम उठाया जा रहा होगा, तभी ये सियासी गलियारों में चर्चा आई है, ऐसे नहीं आई है। फिलहाल समय के अभाव के चलते चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। और प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राकेश बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो झारखंड में जिस तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई है, अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अगला कदम ईडी का क्या होगा, क्योंकि एक बार पूछताछ के लिए कल जिस तरीके से सीएम सोरेन को बुलाया गया, लगभग 9 घंटे पूछताछ चली, और अब अगला कदम ईडी का क्या होगा, ये जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी तीनों दल के नेताओं की नजर इस ओर बनी हुई है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।